चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले आपको बताना है, ऊपर वाला एक क्वेश्चन है, राजेश इज फीलिंग वेरी। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो आपका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है सभी का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राजेश इज फीलिंग वेरी एंग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरी के बाद में हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। डिग्रियाँ आपकी तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरी है, वेरी के बाद कभी भी कॉम्पेरेटिव डिग्री और ना ही सुपरलेटिव डिग्री आती है, वेरी के बाद में आती है पॉजिटिव। जैसे आपने किसी को कहा होगा कभी, है ना, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। जैसे आप किसी से मान लो शादी वादी मिले होंगे तो वहाँ आपने कहा होगा यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, उसको घर जाके देखो फिर पता चलेगा। तो यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी के बाद कौन सी डिग्री आई? क्या वेरी के बाद मोर ब्यूटीफुल आया या मोस्ट ब्यूटीफुल आया? नहीं आया, तो वेरी के बाद आया ब्यूटीफुल। समझ गए? अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ये रहा, लिखा है सॉन्ग इन हिज मेमोरी। सॉन्ग इज सिंगिंग, सॉन्ग इज संग, सॉन्ग इज सेंग या सॉन्ग इज सिंग, बताओ। इज संग वायर, वेरी गुड। क्या हुआ विश्वास? कहना पड़ता है ना। हाँ, खाना खाते टाइम क्या झूठ नहीं बोलते हैं? ए तो मत कहा करो, क्योंकि खाना खाते टाइम सच बोलना चाहिए। सॉन्ग इन हिज मेमोरी, तो इसमें देखिए इज सिंगिंग नहीं आएगा। अगर यहाँ इस यहाँ पे अगर सॉन्ग की जगह श्याम होता, समझ गए, तो श्याम इज सिंगिंग हो जाता, क्योंकि श्याम एक व्यक्ति है और वो गा रहा है। लेकिन सॉन्ग किसी को गाता नहीं है, सॉन्ग को गाते हैं। मतलब ये जो गिवन सेंटेंस है ये पैसिव है, और अगर ये पैसिव है तो पैसिव फॉर्म आएगी। इन चारों में से जो पैसिव फॉर्म है वो है इज एम आर, साथ में थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये रॉन्ग। अब थर्ड फॉर्म क्या? तो सिंग, फिर इसके बाद में सेंग और इसके बाद में संग। सिंग सेंग संग, ठीक है। तो यहां पर इस संग आएगा, सही जवाब हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी नजर के सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। नोकिया इज अ कंपनी, गुड, बेस्ट, बेटर या राइट? मैं बताता हूँ, इसमें आ जाएगा नोकिया इज अ, क्या आया? वेरी गुड, गुड कंपनी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुड कंपनी। पहले आपको याद हो तो नोकिया के मोबाइल चलते थे, ठीक है। हाँ, वो अभी नहीं चलते इतने ज़्यादा। क्यों नहीं चलते मालूम है? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, मतलब, है ना। तो ज़माने के हिसाब से बदलना पड़ता है, आपको भी बदलना पड़ेगा। जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर हमें ऑनलाइन तो नहीं आता समझ में, तो सारे लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और आप अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो ज़माने के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो लोग अगर सीख रहे हैं तो आपको भी सीखना पड़ेगा। नोकिया इज़ अ गुड कंपनी, ये तो चलो एक सिंपल प्रश्न था, पर अगला प्रश्न देखिएगा। ही इज बेटर देन स्टूडेंट इन द क्लास। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा, उसमें से क्या आएगा। नहीं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है मेरे पास, बोले सर हमको तो ऑफलाइन पढ़ना है। बोले ऑनलाइन पढ़ लो, आ जाएगा। नहीं सर, हमने कभी पढ़ा ही नहीं और हमको तो पढ़ना भी नहीं है, हमको तो ऑफलाइन ही पढ़ना है। तो वो लोग सोचो कहाँ रह जाएंगे, क्योंकि सारे लोग तो पढ़ पढ़ के आगे निकल जाएंगे। तो ज़माने के हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा। ए बी सी डी ऑप्शन है एनी, दूसरा ऑप्शन है एनी अदर, तीसरा ऑप्शन है नो अदर और चौथा ऑप्शन है ऑल अदर। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ही इज बेटर देन स्टूडेंट इन द क्लास, बोलो। अब इसमें एक लॉजिक है, आपको पता भी होगा क्या लॉजिक है। हाँ मिश्रा जी, क्या हो गया? अरे आपको तो रोज़ ही याद करते हैं, इसी वक्त ऐसी बात कर दी। ही इज़ बेटर देन
स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर है, और ये जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है इसके बाद दो चीज़ें आती है, या तो एनी अदर आएगा या फिर ऑल अदर आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो एनी अदर आएगा, और अगर प्लूरल है तो ऑल अदर आएगा, ध्यान रखना ये नहीं आएगा कभी भी, एनी अदर नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा कॉम्परेटिव डिग्री के साथ, समझे। तो इसलिए चूंकि वहां पे स्टूडेंट है तो नो अदर, और अगर मैं स्टूडेंट में धीरे से क्या लगा दूं एस तो क्या हो जाएगा बताओ, तो फिर यहां ऑल अदर हो जाएगा, ये छोटी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा जैसा कि कल हमने स्टार्ट किया था, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू किया था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े थे, वैसे ही अभी ये क्वेश्चन आपको सिंपल लगेगा, आप कर भी लेंगे इसको। अमंग्स द थ्री ब्रदर्स आदित्य इज द टॉल टॉलर टॉलेस्ट या नन ऑफ दिस, मैं बताता हूँ। बहुत ही सीधा प्रश्न है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अमंग्स द थ्री ब्रदर्स, और तीन तीन लोगों की बात हो रही है, देखो एक दो तीन, और जब तीन में से किसी एक की बात होती है तो फिर वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो टॉलेस्ट आएगा, समझ गए। एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ कि राहुल इज देन इंटेलिजेंट या देन स्ट्रांग कर दो, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है इसके वाइज या मोर वाइज या वाइजर या फिर मोर वाइजर, चलो बताओ ए बी सी डी। राहुल इज ब्लैंक देन स्ट्रांग, हाँ एनी अदर आएगा सिंगुलर के साथ, ऑल अदर आएगा प्लूरल के साथ, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, देखो राहुल इज, यहां पे एक चीज आपको बताता हूं, आपने इस प्रकार के सेंटेंस बचपन में पढ़े होंगे कि राहुल इज बेटर देन श्याम, ठीक है। तो इसमें वाइजर नहीं आएगा, उसका कारण है क्योंकि राहुल का कंपैरिजन जो हो रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में नहीं हो रहा है, ठीक है। राहुल का कंपैरिजन जो है वो किसके साथ हो रहा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रांग, और यहाँ पे आप देखिएगा राहुल जो है वो होशियार ज़्यादा है, दमदार कम है, ठीक है, स्ट्रांग कम है पर दिमाग बुद्धि ज़्यादा है उसके अंदर। तो जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी का कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो यहां पे जो आपका सही होगा वो क्या होगा, वो होगा मोर और साथ में वाइज, मतलब ऑप्शन नंबर बी, बोलो समझ गए, ऐसे करना पड़ेगा, राहुल इज मोर वाइज देन स्ट्रांग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट। तो उसी प्रकार अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि राहुल इज देन नुकुल, अब यहां पे देखो दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, अब आप लगा सकते हैं वाइजर, जब एक व्यक्ति की दो क्वालिटी का कंपैरिजन होता है तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगती है, ऐसा। हाँ अंकुर डाल देंगे, है ना, रेन ऑफ द रूफ में भी डाल देंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन तो तुमको मैं इतने दूंगा, तुम कर करके थक जाओगे, अभी टाइप हो रहे हैं, ठीक है, सबके मिलेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अभी। पहले मेरे ऊपर पहले कोर्स पूरा करा दूँ ना एक बार, तो फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आपका कोर्स आपको पता नहीं है बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी करेंगे, ठीक है। हाँ उसकी चिंता मत करो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता,
सब होगा और सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शी विल लिव देन हिम लॉन्ग लॉन्गर लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, बोलो। काजल सर आज स्मार्ट लग रहे हो, आज क्लास गुड़िया जितनी होती है उतनी होगी, आज क्या थोड़ा काम है। हाँ, शी विल लिव देन हिम, अब यहाँ पर तो आराम से आप बता सकते हैं, देन लगा हुआ है, देन से ही पता चलता है कि इसमें क्या आ जाएगा, लॉन्गर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इज मेड फ्रॉम फ्लोर, ठीक है, ए एन द और नन ऑफ दिस, अब बताओ। नहीं पोपट नहीं है तो बता रहा हूं, मतलब बताओ इसमें क्या आएगा। कोर्स तो बस हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 10 से 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में ही हो जाएगा। बोलो, देखिए इसका जो सही जवाब है वो है None of these, ठीक है, उसका कारण है। और तुमने ऑप्शन भी लगा दिए जबकि मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। वाह यार तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कोई यू भी नहीं लिख रहा कि सर क्वेश्चन गलत है, बोले द द द द द क्या द भाटा द क्या, ऑप्शन क्वेश्चन ही गलत है। अब बताओ, अब सही हुआ वो, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, ए एन द या फिर नन ऑफ दिस। रॉन्ग, मैंने कह दिया जो रॉन्ग क्वेश्चन, नहीं तो पहले तो द द द द ए, मेरे को लग रहा है जब मैं क्वेश्चन देता हूँ ना तो बैठे बैठे तुम कुछ भी लिख देते हो ताकि के फटाफट समझा देंगे, हैं होशियार। ब्रेड इज मेड फ्रॉम द फ्लोर, तो इसमें देखो कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ब्रेड, ग्रास, स्टेशनरी, पोइट्री, और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता क्योंकि उनको काउंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये तो ज़्यादा ही सरल प्रश्न है, ये भी ज़्यादा ही सरल है। चलो यहाँ से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कि राहुल इज मी, आपको बताना है कि इसमें एल्डर या ओल्डर में से क्या आएगा। राहुल इज टू मी, इसमें ओल्डर टू मी आएगा या फिर एल्डर टू मी आएगा। हाँ इसका तो देखो मैं ही बता दूं, द है इसलिए ओल्डेस्ट आ जाएगा, खत्म बात, द है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, इसमें क्या आएगा। देखो इसमें आपका आ जाएगा राहुल इज टू मी एल्डर, ठीक है, इसका कारण है कि टू, अगर यहाँ पर देन होता टी एच ए एन तो फिर इसमें क्या आ जाता, इसमें ओल्डर आ जाता, ठीक है। बोलो समझ गए, मतलब यहाँ पर देन जो है, देन है तो ओल्डर आ जाएगा और ये चूंकि टू है तो एल्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ इसका जवाब, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। टू आता है तो एल्डर आता है और देन आता है तो ओल्डर आता है, सीधा सा गणित। और एल्डर का यूज ब्लड ब्लड रिलेशन में होता है ना, खून के रिश्ते में। यू आर सो आई एम श्योर यू कैन पिक दिस अप,
तो इसमें तो बड़ी आसानी से आप बता देंगे। देखो यहाँ पे यू आर फेट का मतलब मोटा होता है, वीक का मतलब कमजोर होता है, थीन का मतलब पतला होता है। तो यहाँ पे जब वो लिखा है कि आई एम श्योर यू कैन पिक दिस अप, तो इसका मतलब कि यू आर स्ट्रांग। इसमें क्या आएगा? स्ट्रांग आएगा। ठीक है, चलो एक वर्ड है उसका जवाब, उसका किसी को पता हो तो बताना। पेडेंटिक, पेडेंटिक एक वर्ड है, पेनेसिया एक वर्ड है, सिमेट्री एक वर्ड है, रिडिकुलस एक वर्ड है, स्टबन। कौन ऐसा है जिसको पांचों वर्ड याद आ गए फटाक से? बोलो, जिसको आ गए मतलब उसको वोकैब आ गई। मीनिंग तो मैं बता दूंगा, बस ये बता दो याद आ गए कि नहीं आए। करवा देंगे सुमित, सुमिति करवा देंगे, कल करवा देंगे। ठीक है बढ़िया, क्वेश्चन लेके आने पड़ेंगे उसके। आ गए हो तो अच्छी बात है। देखिए पहला है रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यपद या सिली, बकवास। पेडेंटिक, पेडेंटिक ट्राइज टू साउंड मोर लर्न, ऐसा आदमी जो कि ज्यादा अपने आप को ऐसे ज्यादा शो ऑफ करता है उसको बोलते हैं पेडेंटिक, जो कि शो ऑफ ज्यादा करता है ना। हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, उसकी लर्निंग को शो ऑफ करता है, बोले मुझे बहुत आता है। ठीक है, पेनेसिया, पेनेसिया में ए लगा देना। पेनेसिया मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, सब बीमारियों की एक दवा पेनेसिया। अगला है सिमेट्री, सिमेट्री इज द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पे बरीड की जाती है डेड बॉडीज को। और स्टबन, स्टबन का मतलब होता है वो एडमेंट है ना, अड़ियल। बोलो याद आ गए ना सारे वर्ड? ठीक है, अच्छा चलो पांच फ्रेजल वर्ब लिखता हूँ, उसमें से कितनी याद आती बताना मुझे। अभी करवाई थी मैंने एक दो दिन पहले, बस तुम खुद देख लेना याद आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, गेट अलॉन्ग विथ, पुट डाउन, ब्रेक इन टू, लुक आफ्टर और ब्रेकआउट। बोलो याद आ गई? आ गई होगी। गेट अलॉन्ग विथ, हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ समवन, किसी के साथ में अच्छे रिश्ते होना है ना, व्यवहार अच्छा होना। पुट डाउन, पुट डाउन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है किलिंग अ सिक एनिमल, कोई एनिमल जो कि सिक हो गया और उसको मारना पड़ रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुट डाउन। एक होता है इंसल्ट समवन, किसी की इंसल्ट करना, पुट डाउन मतलब क्या होता है, किसी की इंसल्ट करना। ठीक है, ब्रेक इन टू, ब्रेक इन टू का मतलब होता है एंटर समवन हाउस बाय फोर्स, किसी के घर में फोर्सली घुस जाना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का होता है टेक केयर, मतलब किसी की देखभाल करना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना, है ना, जैसे वो कोरोना जो है वो ब्रेक हुआ वहाँ चाइना से और उसके बाद आउट हो गया, बाहर हो गया। तो ये आपकी कुछ फ्रेजल वर्ब याद आ रही है ना, अच्छी बात है। और बताता हूँ, चलो तुम भी क्या याद करोगे, थोड़ी सी आज वो कैब लिख ही देते हैं। देखिए अब मैं 10 वर्ड लिखता हूँ, फिर देखना उसमें से कितना याद आ गया। ठीक है, मैं लोकेशियस, स्प्लेंडिड, फॉर्च्यून, मेटिकुलस, वेटरन, परसिमोनियस, स्लगिश, इनविंसिबल। बोलो, मैं देखो फटाफट रिवाइज करवाता जाता हूँ। ठीक है, आप तो बस ये देख लो कि 10वें याद आ गए, जितने भी लिखे हैं मतलब बोर्ड पे आ गए होंगे, अच्छी बात है। लोकेशियस द पर्सन हु स्पीक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं लोकेशियस। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब होता है फेबुलस, फैंटास्टिक, ठीक है। हाँ स्प्लेंडिड मतलब शानदार। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है लक, भाग्य, डेस्टिनी, ठीक है। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है रिगरस, हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मेटिकुलस बोलते हैं। वेटरन, वेटरन का मतलब होता है हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको अच्छा अनुभव होता है। परसिमोनियस, परसिमोनियस का मतलब होता है माइजरली, माइजरली का मतलब होता है कंजूस, ठीक है, याद आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है लेथार्जिक। इनविंसिबल, इनविंसिबल, इनडोमिटेबल, द पर्सन हु कैन नॉट बी डिफिटेड, जिसको कोई हरा नहीं सकता। ओके वेरी नाइस, बस हो गया सिलेक्शन, तुम क्यों चिंता करते। जिस जो कॉन्फिडेंट हो गया उसका सिलेक्शन हो गया, और जिसको अभी भी डाउट है, ठीक है, तो वो डाउट में, डाउट में नहीं रहना कभी भी, ठीक है, डाउट को बाहर निकालो, क्योंकि डाउट तुम्हें जीने नहीं देगा, ध्यान रख लेना। और ये जो डर है ये बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही है बस। चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दे लिव इन अ हाउस, दे लिव इन अ हाउस, तो ये तो नाइस क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल हाउस, मतलब क्वेश्चन नाइस है, लेकिन हाउस ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा घर बनेगा तो घर कैसा बनाओगे तुम, ब्यूटीफुल बनाओगे ना, सुंदर, जैसे कोई मेहमान आए तो उसका खून जल जाए ऐसा है तो बनाओगे, तो वो कैसा होना चाहिए, ब्यूटीफुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा, इधर देखिएगा, वापस से मैं कुछ और फ्रेजल वर्ब लिख रहा हूँ, है ना, देखते जाना कितनी याद आ रही है। मेकआउट, गेट रिड ऑफ, मार्टियर, ये वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा गुलीबल, इसके अलावा कैप्रिशियस, इसके अलावा मैं खो गया ना, गेट हो गया, पुट असाइड, ब्रेक आउट ऑफ, लुक फॉर, और गिव अप। बोलो कितने याद आ गए। मेकआउट, गेट रिड ऑफ, मार्टियर, गुलीबल, कैप्रिशियस, पुट असाइड, ब्रेक आउट ऑफ, लुक फॉर, गिव अप। चलिए मेकआउट, मेकआउट का मतलब क्या होता है, आई कांट मेकआउट वॉट यू वॉन्ट टू से, तुम कहना क्या चाहते हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मतलब मेकआउट का मतलब होता है मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, अंडरस्टैंड, मेकआउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, ठीक है, मेकआउट मतलब अंडरस्टैंड। दूसरा गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है एलिमिनेट करना। सर वोकेबलरी क्यों बता रहे हो, क्योंकि परीक्षा में आजकल आ रही है, तो सर जो आप बता रहे हैं इसमें से आ जाएगी, हैं ये प्रश्न भी रहता है बहुत सारों का, सर आप जो बता रहे हैं इसमें से आ जाएगी कि नहीं आएगी, ये तो मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। मार्टियर, लेकिन हाँ आ जाएगी है ना, हाँ 13 साल हो गए पढ़ा पढ़ा, चिंता मत करो, अनुभव है मुझे, मुझे पता है क्या चीज़ें पूछता है एग्जामिनर, और ये सब इसमें से जब तुमको परीक्षा में मिलेगा ना तब पता चलेगा, ठीक है।
मार्टियर, मार्टियर का मतलब होता है द पर्सन हु डाइज फॉर द कंट्री, हु डाइज फॉर द कंट्री, ठीक है। गुलीबल, गुलीबल का मतलब क्या होता है? गुलीबल का मतलब होता है मासूम। ठीक है, अभी ग्रेड वन का प्री का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें एक स्टूडेंट पढ़ रहा था, वो बढ़िया पढ़ रहा था, उसके बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, 10-15 दिन हो गए थे पढ़ते पढ़ते, मतलब उसी ने बताया मुझे बाद में। अब इस उसे एक दोस्त मिला, वो पढ़ रहा था बढ़िया, उसे एक दोस्त मिला, दोस्त आया, क्या कर रहा है? बोले पढ़ रहा हूँ। किससे पढ़ रहा है? बोले वो शाम से निकला, कुछ नहीं आता उनके इसमें से। अच्छा हाँ, बोले उस उनके इनमें से कुछ बैठता थोड़ी है क्या, कुछ ऐसा तो कराते क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी आते परीक्षा में। अब क्या हुआ? अच्छा ये बात उसी ने बताई मेरे को, अभी पढ़ भी रहा होगा। तो हुआ क्या कि उसने, अब होता है क्या, हमारा दिमाग ऐसा है जैसे किसी ने कुछ कह दिया, मान लो अभी आप जैसे पढ़ रहे हो ना, एकदम कोई दोस्त अब भी आ जाए, नहीं कहते कि अरे बेकार आदमी है, तो क्या पढ़ते हैं, कुछ भी तो बातें करता रहता है कुछ भी, तो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा उस टाइम पे, बोले हाँ यार ये सही कह रहा है, ऐसा होता है, इट्स नेचुरल। तो उसने क्या करा कि हाँ यार कुछ नहीं आता है, वाह, किताबें खोल के बैठ गया, नहीं इधर उधर से पढ़ने लग गया, ने अब एग्ज़ाम देने गया, जब एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ से जब एग्ज़ाम से निकला तो अब हुआ क्या कि उसके आने थे 90 नंबर और 90 जाए, लेकिन जो साथ वाले निकले, बोले आपके कितना है? बोले मेरे 111, मेरे 120, मेरे 100, कहाँ से पढ़े? बोले वो शाम सर से ले रहे थे। अच्छा, अब फोन आया, सर मेरे 90 आए, लेकिन सर वो नॉर्मलाइजेशन में कम तो नहीं होगा ना सर? जी घबरा रहा, तो मैंने कहा नहीं कम तो नहीं होंगे, बढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो फिर उसने ये स्टोरी बताई कि सर आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मेरे साथ ऐसा हुआ, एक दोस्त था तो उसने मेरे को ऐसा बोला, तो फिर मेरा थोड़ा, तो अभी भी देखो किसी के मन में ऐसा है जैसे कि नहीं आता है या मेरे प्रति ऐसे भाव है, तो तुरंत छोड़ो, फिर रुकना नहीं, क्योंकि देखो मैं कोई ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहूँगा, लेकिन आपके मन ने एक बार गवाही दे दी कि नहीं आता है, ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बेकार आदमी है, तो तुरंत छोड़ देना चाहिए और जो अपना मन कहे वो करना चाहिए। बात समझ गया ना मेरी? क्योंकि आपका मन मन की बात है, समझ गए? तो तुरंत लीव करो, जैसे आपको लगता है कि ये सही नहीं पढ़ा रहा है या आपका मन नहीं मान रहा है, मन की बात है, ठीक है, आत्मा नहीं मान रही है तो मुझे भी नहीं मान रही, तो तुरंत छोड़ो और जो आपका मन कह रहा है वो करो, ठीक है, क्योंकि मैं कोई आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहूंगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सवाल है, और वो जब तक आपका मन नहीं मानेगा तब तक ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। तो फील आना चाहिए अंदर से, जहाँ फील आए वहाँ रुक जाओ, नहीं आए तुरंत छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बात करें, नेक्स्ट देखिए, तो ये एक रियल घटना बता रहा हूँ, है ना, नेक्स्ट देखिएगा। और उसने कोर्स लिया हुआ था फिर भी नहीं पढ़ाओ, और फिर इधर उधर से पढ़ा, तो और बाद में फिर मैं उससे बोला भी सही, हालांकि उसने उस चीज़ को, बोले सर आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे मन की बात है। बोले सर अब तो मैं पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? कैप्रिशियस का मतलब होता है पेक्यूलियर, इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ किसी का मन नहीं मान रहा हो या किसी दोस्त ने कह दिया हो तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? सनकी, ठीक है। पुट असाइड, पुट असाइड का मतलब क्या होता है? पुट असाइड का मतलब होता है सेव करना, सेव करना मतलब जैसे कि कुछ पैसे मैंने साइड में रख दिए, जैसे अपने तुम्हारी जॉब लगेगी, तो जॉब लगेगी तो उसके बाद अपने को क्या करना है कि 20% जो पैसा है, जैसे मान लो आपके 40,000 रुपये आ रहे हैं, तो 40,000 में से 8,000 भूल जाओ कि आए नहीं मेरे, तो और उनको क्या करना है अपने को, पुट असाइड करना है, मतलब सेव करना है, ठीक है, कहीं पे भी सेव करना है, मतलब ये भूल ही जाना पहले महीने से कि मेरे को तो 32,000 ही मिल रहे हैं, बात खत्म। तो ये पैसा आपको करोड़पति बनाएगा। अगला, ब्रेक आउट ऑफ, ब्रेक आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? भाग जाना। ब्रेक आउट ऑफ मतलब होता है लीव, ब्रेक आउट ऑफ मतलब जैसे जो जेल को तोड़ के भाग जाना, ठीक है। इसके बाद लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च समथिंग, सर्च समथिंग, लुक फॉर। और अगला है गिव अप, गिव अप का मतलब लीव होता है। अच्छा, बहुत सारों को जैसे ही मैं लिखता जा रहा हूँगा ना, तो उनको याद आता जा रहा होगा, और जैसे याद आता जा रहा होगा फील आ रहा होगा अंदर से। आज दिन में अगर किसी ने कुछ सुनाया भी होगा घर वालों ने, तो वो भी साइड में हो जाता है फिर कि बस अब तो आ गए अपने को, ठीक है। पढ़ने का ये फर्क पड़ता है। चलो इसलिए कोई कुछ कह दे तो चिंता नहीं करना, ठीक है, ये सबके साथ होता है। एक काम करता हूँ,
10 वर्डों लिखेंगे, ठीक है, ओनली फॉर यू गाइस। अब नेक्स्ट है, एक अच्छा सा वर्ड मुझे याद आ रहा था, सिनिस्टर, ठीक है, आपको भी याद आ गया होगा। और अगला है लुक का फॉरवर्ड टू वाला, एक है डेगर्स ड्रॉन, ये भी बहुत बार आता है, एक और है, अच्छा सा वर्ड था ये, एक वर्ड मैंने आपको करवाया था थोड़े दिन पहले, बैरन, इसका उल्टा लिखने जा रहा था मैं, आपको समझ में आ गया वो उल्टा एफ से शुरू होता है, ठीक है। एक वर्ड है आ, 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 थ्रिफ्टी। चलो कितने याद आ गए बोलो। अपने मन में बस इतना होना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर वाला देख रहा है, बस इसके अलावा अपने को ज़्यादा चिंता नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला चिंता से चतुराई घटे, जो लोग चिंता करते ना उनकी चतुराई घट जाती है, फिर परीक्षा में समझ नहीं पड़ता है। तो चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, तो चिंता नहीं करना आपने। तो बोले सर आप सिनिस्टर सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, सिनिस्टर का मतलब होता है, बताओ क्या होता है सिनिस्टर, एक का भी आंसर नहीं आया, क्या बात है। मैंने बताया था ना आपको सिनिस्टर, जैसे किसी के अगर मान लो कोई गाड़ी लेके जा रहा है और बिल्ली सामने से निकल गई, तो उस बिल्ली के क्या हो जाता है, उसके सिनिस्टर हो जाता है, ठीक है, मतलब अलार्मिंग बेलफुल, अलार्मिंग बेलफुल मतलब अपशगुन, ठीक है। जैसे आप, जैसे मैं गाड़ी लेके जा रहा और सामने से एकदम बिल्ली निकल गई, तो बिल्ली के क्या हो जाएगा, उसके अपशगुन हो जाएगा, उसके घर वाले बोलेंगे, ठीक है, सामने से क्यों निकली तू उस आदमी के। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू मतलब एक्साइटेड, एक्साइटेड अबाउट समथिंग। डेगर्स ड्रॉन, डेगर्स ड्रॉन का मतलब होता है एनमिटी, हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी, ठीक है, एनमिटी, एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। और थ्रिफ्टी मतलब मितव्ययी, बोलो, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, और जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है वो ग्रामर को जरूर देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्रामर को हल्के में मत ले लेना, 40 प्रश्न कम से कम आएंगे, ठीक है, चलिए।